विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद में सबकी नजर पंजाब पर है, क्योंकि पंजाब पर तीन तरफ से टक्कर है। एक तरफ आप पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार भगवंत सिंह मान साहब को नामित कर दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी जी के साथ इस पंजाब विधानसभा चुनाव की वेतरनी को पार करना चाहती है, क्योंकि उनके कैप्टन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में है। हालांकि जो चुनावी रुझान से पता चल रहा है उसमें भूमिका काफी दमदार नहीं लग रही, लेकिन आप कांग्रेस और अकाली दल ये तीन ध्रुव टक्कर में हैं, और अब राजनीतिक समीकरण ये बता रहे हैं कि क्या आप पार्टी के भगवंत मान साहब आने वाले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव है कांग्रेस के बीच में, अकाली दल के बीच में, और बीच में भाजपा और कैप्टन साहब की पार्टी का गठबंधन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हम अपनी बात करेंगे तब हमें न तो चुनावी समीकरण से मतलब है, न किसी की चुनावी ताकत से मतलब है। हम अपने प्रश्न कुंडली में उस वक्त में दिख रहे ग्रहों की गणित और दशाओं के साथ अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये जो कुंडली आई है करक लगन की कुंडली है, यहां पर भगवंत सिंह मान साहब है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इंडिकेशन इनके पक्ष में जा रहा है, इनके लगन का मालिक राहु के साथ 11वें भाव में है। अब वैसे मौन की राहु के साथ युति को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 11वां भाव है। और हम व्यक्ति की दिमागी सोच को नहीं पढ़ रहे, हम चुनाव की प्रतिस्पर्धा को पढ़ रहे हैं, हम हार और जीत को पढ़ रहे हैं। तो भगवंत सिंह मान साहब 4 नंबर से पढ़िएगा आप, और उनके विपक्ष में जो भी पार्टी रहे, चाहे अकाली दल रहे सेकंड में, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, कोई भी रहे, वो है सप्तम भाव की मालिक, यानी सैटर्न और सूर्य। अब देखिए, सबसे पहली बात है जो गणित निकली है, लगन का मालिक सबसे ज्यादा मजबूत है और वो 11वें भाव में है, और इधर सप्तम भाव का मालिक शनि भी मजबूत है, वो अपने भाव में है, और उसका दूसरा भाव जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से जैसे 4 नंबर भी बढ़ा हुआ है, और वहां पर जुपिटर है। लेकिन शनि के साथ सूर्य भी बैठा है, जो कि पिता का कारक भी है, जो राज सत्ता का भी कारक है। अब हम यहां पर डिग्रियों में नहीं जाएंगे, हम सीधी सी गणित में जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि दशा क्या है, क्योंकि अगर दशा अनुकूल नहीं हुई तो चन्नी साहब इनके, माफ कीजिएगा, मान साहब के चंद्रमा की जोड़ भी फिर फीकी पड़ जाएगी, और दशा है सूर्य की। अब सूर्य की दशा है, सूर्य है नंबर 7 में। अब यहां पर पलड़ा भारी विपक्ष का हो रहा है, लेकिन सूर्य को पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे कि सूर्य का
प्लेनेट हिस्ट्री क्या कहती है? सूर्य की प्लेनेट हिस्ट्री कहती है सैटर्न मार्स जुपिटर सैटर्न। नक्षत्र लोड क्या है? नक्षत्र लोड है मार्स। और मार्स कहां बैठा है? मार्स बैठा है सिक्स्थ हाउस में। ये सिक्स्थ हाउस विनर है मान साहब का, आपकी पार्टी का, और लूजर है उनके विपक्ष में जो भी है वो सत्ता गंवा रहा है। अब इससे आसार ये लगता है कि नंबर दो की पार्टी कांग्रेस बन सकती है और जिसके हाथ से उसकी सत्ता छूट सकती है, यहां पर ये इंडिकेशन गया है। लेकिन हम सिर्फ इसी इंडिकेशन को नहीं मानेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर सैटर्न भी बैठा है और सैटर्न है मून के नक्षत्र में, वेनस के उप नक्षत्र में और मरकरी के उप उप नक्षत्र में। अब देखिए वेनस और मरकरी कहां है। वेनस और मरकरी भी सिक्स्थ भाव में है और मून पहले भाव का मालिक है, मान साहब यानी आप पार्टी का मालिक है, इसलिए ये मान साहब की क्लियर मेजोरिटी विक्ट्री बता रहा है और इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सेकेंड नंबर पर कांग्रेस के आने के आसार है और कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट अपनी सत्ता को लूज कर रही है। मान साहब की पार्टी आपकी पार्टी यहां पर सत्ता में आ रही है, साथ में राहु है तो मानसिक संतुलन तो गड़बड़ेगा, कुछ ऐसी घटनाएं भी होगी और अगर कहीं थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ की आवश्यकता पड़े तो भी होगी। लेकिन सत्ता में आप पार्टी के आने के आसार प्रबल बन गए हैं। वैसे लगता तो यह है कि पूरी मेजोरिटी के साथ आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा मून को भी देख लेते हैं, मान साहब की तरफ भी थोड़ा सा चले जाते हैं। हालांकि विपक्ष ने अपना मैदान खाली कर दिया है, विपक्ष की जितनी भी गणित है वो मान साहब के पक्ष में गई है और मान साहब की गणित क्या कहती है, मून सूर्य के नक्षत्र में है। अब आप ये देखिए मून सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य सप्तम भाव में है यानी टक्कर है, और सूर्य की जो बात है सूर्य मार्स के नक्षत्र में है, साथ में जुपिटर और सैटर्न है। अब जुपिटर निश्चित रूप से आठवें भाव में है जो कि मान साहब के हडल के भाव में है, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से यहां पर मान साहब का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है। यह जो जुपिटर है जो कि विपक्ष का दूसरा भाव है, उसके कुटुंब का भाव है, मान साहब के अष्टम का भाव है, और ये नीच का जुपिटर है, इसलिए ये विपक्ष की पार्टी कांग्रेस की पार्टी या कोई भी पार्टी रहे वो अपनी तरफ से धूर्तता नीचता भी करेगी। लेकिन उसके बावजूद हमारी प्रश्न कुंडली जो कि मान साहब को लेकर के थी कि क्या मान साहब आप पार्टी पंजाब की सत्ता में आएंगे, और हमारी प्रश्न कुंडली के ग्रहों की गणित यह स्पष्ट बता रही है कि पंजाब का अगला सीएम सरदार मान साहब होने जा रहे हैं। ये ज्योतिष का आंकलन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बाकी 10 तारीख को रिजल्ट आना है। ज्योतिष संभावनाओं का अपना गणित है और चूंकि हमने बहुत अंदर तक हम नहीं गए हैं, क्योंकि अंदर तक जाते जब चुनावी तारीख भी लेते ऊपरी तौर पर जो एक चेहरा दिख रहा है, ग्रहों की गणित का संकेत दिख रहा है, इशारा दिख रहा है, उस संकेत उस इशारे को
हमने आप तक पहुंचाया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत बहुत आभार।